हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम ओला उबर में नहीं, आज हमारी एक ऑफलाइन बुकिंग आ रही है जो है ताजमहल आगरा की। अभी हम ताजमहल आगरा में, और ये रहा ताजमहल, ये रहा ताजमहल, आप देख सकते हैं। और बुकिंग में हमारे कौन कौन, बुकिंग में जो आया कौन कौन सा आया हम मिलाना चाहेंगे। ये आसिफ भाई, आसिफ क्या हाल है आपकी? बहुत बढ़िया। और बड़िया। कैसे आए हो घूमने? आपके हवाई जहाज से आए भाई। हवाई जहाज से आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? बहुत बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर है भैया, पुरानी रहस्य वाली चीज़ है, एक नंबर। देखने में एकदम सुंदर, बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये रहा, पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ यहाँ पे, एक बार वीडियो बनाई है मैंने आने के बाद। और आज हम यहाँ पे घूम रहे हैं, पूरा दिन आगरा के अंदर घूमेंगे, शाम को चलेंगे घर। कब से करेंगे ड्यूटी स्टार्ट? तो कैसा लग रहा है ये व्लॉग? बढ़िया, एक नंबर। तो यहाँ पे इसके साथ साथ ये नदी भी बह रही है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल ताजमहल के किनारे किनारे बह रही है, और ये वही वाली है जो दिल्ली से आ रही है शायद, कंफर्म नहीं है लेकिन समथिंग आइडिया मेरा यही है कि वही है। तो अभी ताजमहल हम घूम लिए, ताजमहल को कहते हैं अलविदा। अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। ये हो गया ताजमहल, और अभी चलते हैं घर, देखेंगे शायद लाल किला भी जाएंगे, ये जो आगरा फोर्ट है वहाँ पे भी जाएंगे। अभी पहले खाना पीना खाते हैं फिर सीखते हैं। ताजमहल घूम के फिर हम आ गए रेड फोर्ट, आगरा रेड फोर्ट। तो ये है रेड फोर्ट का कुछ नज़ारा, आप देख सकते हैं। ये पार्क है उसका बीच में, और बाहर पूरी इमारतें बनी हुई है। यहाँ हम घूम चुके हैं, अब घूम के बैठे हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और यहाँ से चलेंगे फिर निकलते हुए। अभी आधा रह गया है घूमने के लिए, कुछ साथी हमारे वहाँ है वे रह गया पीछे, वैसे भी जब आ जाएंगे फिर चलते हैं यहाँ से घूमते हुए। और आज पिछली बार जब मैं आया था सिर्फ ताजमहल घूम के गया था, अब ताजमहल के साथ रेड फोर्ट भी हो गया, तो दोनों अपना, ये ताजमहल अपना सेकंड टाइम है, रेड फोर्ट फर्स्ट टाइम है। तो अभी यहाँ से घूमते हुए चलेंगे। तो गाइस, टीम आ चुकी है हमारी घूम के, ये रही हमारी गैंग गुलाब गैंग ये गुलाब गैंग घूम के आ चुकी है। अभी चलते आगे के घूमेंगे, देखेंगे कैसा नज़ारा। भाई साहब, इसमें अलग ही मज़ा आता है देखने में। ये राजा की मंच, जहाँ पे वे फैसले सुनाए थे, रूल रेगुलेशन जो चलाते थे, यहाँ से यहाँ बैठते थे, और यहाँ पूरे इसमें प्रजा रहती थी दूर दूर तक। मज़ा आ रहा, एक नंबर।